साथियों, मैं रामनिवास गिरी साथियों आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक मार्ग के जो विधन हैं उनको हम दूर कैसे करें जो हमारी साधना में रुकावटें आती हैं उनको दूर कैसे करें साधना मार्ग में आने वाली सभी समस्याएं हमें अपने साधना मार्ग से भटका देती हैं, यानी साधना मार्ग से वापस कर देती हैं। और साधना में सबसे बड़ा जो हमारा शत्रु है वो है हमारा आलस्य साथियों सबसे बड़ा शत्रु आपका आलस्य आलस्य आपके अंदर कब आता है जब आपके शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी होती है जब आपके शरीर के अंदर कमजोरी होती है वीकनेस होती है तब आपको आलस्य आता है वो आलस्य दूर कैसे हो आपके शरीर के अंदर नई ऊर्जा कैसे हो कैसे आपको प्राप्त हो नई ऊर्जा के स्रोत क्या हैं और नई ऊर्जा को धारण करने की विधियां क्या हैं? ये मैं आज आपके सामने रखूंगा देखिए पहला सुख निरोगी काया ऐसा कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, फिर धन माया की बात करते हैं लोग भाई अच्छा धन होना चाहिए फिर आज्ञाकारी पुत्र होना चाहिए सुलक्षणी नारी होनी चाहिए यह गृहस्थी लोगों के नियम हैं और उनकी इच्छाएं भी रहती है कि हमारा शरीर भी निरोग हो पुत्र भी आज्ञा क्यारी हो क्योंकि आजकल आज्ञा क्यारी पुत्र जो हैं बहुत कम हो गए हैं पहले तो बहुत थे हम लोग तो अपने पिता के आज भी अगर हमारे पिता हमारे सामने होते तो आज भी उनकी आंखों से आंखें नहीं हम मिला पाते देखिए साधु जीवन है लेकिन फिर भी अपने पिता की आंखों में आंखें डाल के उनसे कोई बात कहना आज भी हमारे बस में नहीं है आज भी हम अपने पिता का इतना सम्मान करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने पता नहीं कितनी बड़ी शक्ति आके खड़ी होगी है और हम उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं साथियों जब तक आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं जब तक आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं जब तक आप पुण्य के भागीदार हैं पुण्य आपके जीवन में एकत्रित होता चला जाता है और वो कभी क्षय नहीं होता कभी उसका आपके जीवन में अभाव नहीं होता साथियों मैं तो फिर से कहूंगा माता पिता अगर आपके पास हैं, तो उन माता पिता की दिल खोल के सेवा करिए आप समाज में सबके लिए अच्छा बनना चाहते हैं और घर में माता पिता का सम्मान नहीं करते सास ससुर का सम्मान नहीं करते ये अच्छी बात नहीं है उनका भी सम्मान करें क्योंकि आज जहां पे वो हैं कल आपको भी वहीं पे आना है आज जैसे उनका शरीर निर्बल हो रहा है कल आपका भी ऐसे ही होगा और ये इसमें कोई संशय नहीं है कोई दो राय नहीं है कि जो हमसे पहले थे वो तो फिर भी खा पी के उनका जो शरीर था क्योंकि वो केमिकल की चीज़ें नहीं खाते थे उनके अंदर कोई किसी तरह के और दूसरे पोल्यूशन के जो खतरे हैं पोल्यूशन की जो कमियां हैं पोल्यूशन के जो दुष्प्रभाव हैं वो नहीं थे हमारे पास तो पोल्यूशन के भी दुष्प्रभाव हैं नशे के भी दुष्प्रभाव हैं और केमिकल के भी दुष्प्रभाव हैं वातावरण के भी दुष्प्रभाव हैं हमारी हालत तो उनसे भी खराब होगी लेकिन आज अगर हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो कल आने वाली जनरेशन आपको देख के आपकी भी सेवा नहीं करेगी जैसे आपको आप आपका पुत्र देखता है कल उसका पुत्र उसको देखेगा आज जैसे हम अपने माता पिता को देखते हैं कल ऐसे ही वो अपने आपको देखेगा अपने माता पिता को देखेगा और साथियों आज का जो हमारा सोशल मीडिया का जो जमाना है ये सोशल मीडिया पे लोग रहते हैं और सोशल मीडिया पे आपके बच्चे क्या देख रहे हैं आपको इस पे भी गौर करना चाहिए कि आपके बच्चे किस तरह की वीडियोस देखते हैं किस तरह का न्यूज पढ़ते हैं किस तरह की वो जानकारियां हासिल कर रहे हैं साथियों वृद्ध आश्रम अगर आज अपने मां बाप को तुम वृद्ध आश्रम की ओर भेजते हो या उनको दुखी करते हैं या उनका सम्मान नहीं होते तो कल हमारे लिए भी वही दरवाजे क्या पता उन तक भी हमें कोई पहुंचा पाए कि ना पहुंचा पाए ऐसे ही ठोकरे मार के बाहर निकाल दे तो मेरी देखिए अगर कोई बात आपको बुरी लग रही हो तो उसके लिए क्षमा परारती हूं लेकिन सत्य है और सत्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता खैर हमारा विषय आध्यात्मिक है और आध्यात्म क्या है अध्यात्म जोड़ना सिखाता है तोड़ना नहीं सिखाता जुड़ जाइए खुद से आप से, समाज से सब से। साथियों आज हम जिक्र करेंगे सूक्ष्म व्यायाम का सूक्ष्म व्यायाम जो आप अपने घर में आसानी से कर सके शीत जो शरद ऋतु है उसमें भी कर सकते हैं शिशिर में भी कर सकते हैं और वैसे तो सभी ऋतुओं में आपको कर क्योंकि हमारे यहाँ छह ऋतु ऋतुएं भोगती हैं उत्तर भारत में भाई शिशिर है शरद है हेमंत है वसंत है ग्रीष्म है छः की छु ऋतु हमारे यहाँ पे भोगती हैं और सबके अलग अलग मौसम हैं। सब में आप शरीर को अलग अलग आपके अनुभूति होती है मौसम की तो उन उस मौसम में उन सभी ऋतुओं में आप कैसे सुरक्षित रहें आपकी जो भूलने की आदत है वो बार बार आप सामान कहीं रखते हैं कुछ भी किसी को सामान देते हैं बात कहते भूल जाते हैं उन सभी रोगों में उन सभी जो हमारे अंदर कमियाँ आ गई हैं उसमें आज का जो हमारा सूक्ष्म व्यायाम है वो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा और एक मैं ऐसा भी आपको बताऊंगा जो आपको पैरालाइज आपके जीवन में ना क्योंकि आजकल जो है लोगों को बीपी की बहुत ज्यादा समस्या है और जब बीपी बढ़ता है तो अधिकतर लोगों को दो ही डिजीज ज्यादा होती है पैरालाइज की और हृदय घात की जो हृदय घात है और आपका बीपी है उन दोनों में ही ये क्रिया बहुत कारगर है उससे बहुत ज्यादा आपको सुरक्षा प्रदान करती है साथियों हमने क्या करना है पदमासन अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो सिद्धासन लगा लीजिए और सिद्धासन भी नहीं लगा सकते तो आलती पालती मार लीजिए आलती पालती लगा के आप बैठ जाइए और ऐसे भी नहीं बैठ सकते तो आप बेशक सोफे पे बैठिए अपने कुर्सी पे बैठिए अपने जहां पे भी आपके पास में सुविधा हो वहां पे बैठिए आपको क्या करना है सबसे पहले अपनी गर्दन को फ्री करना है वो कैसे ऐसे देख लीजिए देखिए सोलह बार हम जैसे सूर्य गमन करता है पृथ्वी गमन करते हैं सूर्य के चारों तोर, चारों ओर ऐसे और 16 बार फिर उसके विपरीत दिशा में यानी क्लोगवाइज एंटी क्लोगवाइज देखिए आप सोलह बार हम फिर वापस लेंगे इसको